हेलो दोस्तों, देखिए हम चने का साग कैसे काटते हैं ये आज आपको दिखाएंगे। ये चने का साग है और देखिए कितना महीन काटा जा रहा है। ये गांव का साग है, हंसिया से काटा जा रहा है। आप चाकू से भी काट सकते हैं पर चाकू से इतना महीन नहीं कटेगा। ये देखिए कितना महीन साग है। अब इसको हम बनाएंगे, दाल में मिला करके बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। ये चने का साग है, आप भी अपने घर में ऐसे काट सकते हैं। हाथों में लेते हैं, इसके दो टुकड़े करते हैं इस तरह पकड़ कर, दो टुकड़े किए इसके और इसको मिला करके और थोड़ा थोड़ा काटते हैं इस तरह। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा चैनल को। तो दोस्तों देखिए, अब इस कटी हुई साग को हम थोड़ा से आटे में मिला लेंगे जिससे थोड़ा अच्छी तरीके से बन जाता है। इस तरह मिलाते हैं दोस्तों। तो हम इसमें आटा मिलाएंगे थोड़ा सा, साग में इस तरह आटा मिला लेते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। इस तरह मिक्स करेंगे और अब चलते हैं दूसरे दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब इसको हमने इसमें पहले से ही पानी रख दिया था खौलने के लिए, इसमें डाल दी थी मूंग की दाल थोड़ी सी, तो अब इसको इसमें डाल देंगे। तो अब इसको डाल दिया है, इस तरह घुमाएंगे, साग को पूरा डाल देंगे इस तरह और इसको घुमाएंगे ताकि इसमें अच्छी तरह घुल जाए। अगर हम घुमाएंगे नहीं तो ये घुल नहीं पाएगा अच्छी तरह। इस तरह देख लेंगे कि हमारी दाल और साग मिक्स हो चुका है। अब हम इस तरह पकने का इंतजार करेंगे। अभी 10 से 15 मिनट लगेगा इसको पकने के लिए दोस्तों। तो अब हमारी साग पक चुकी है, चने का साग पक चुकी है। अब देखें, अब हम इसमें छौंका लगाएंगे। तो अब इसमें छौंका लगाने के लिए हम लहसुन छीलेंगे और अपने स्वाद अनुसार लहसुन निकाल सकते हैं। लहसुन डालेंगे इसमें और धनिया की पत्ती थोड़ी सी डालेंगे और इसमें हींग भी डालेंगे थोड़ा सा, ताकि टेस्ट एकदम लाजवाब आ जाए। ये गांव का देसी साग है, ये देसी तरीके से बनाया जा रहा है जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो हम लहसुन छील लेंगे और छीलने के बाद इस चमचे को गरम करके इसमें डालते हैं तेल। फिर तेल में डालेंगे लहसुन और लहसुन में ही देखिए इसको गरम करने के लिए आग पर रख दिया जाता है। इसे कहते हैं देसी छौंका। अब जब ये चमची गरम हो जाएगी, लाल हो जाती है, इस पर तेल डालते हैं और तेल में लहसुन और हम डाल देते हैं इसमें हींग। ये होता है देसी छौंका। तो दोस्तों अब डालेंगे हम इस पर तेल तो अब तेल पकेगा। जैसे ही तेल हो जाता है गरम तो उस पर डाल देंगे लहसुन। लहसुन हमारी पक रही है, जब ये पक जाएगी इसे डाल देंगे हम अपने साग में।
लाल हो गए। चलो हम डालते हैं अभी साग में। इसको खोल के हमने फिर मिला दिया। ये हमारा साग तैयार हो गया, खाने के लायक हो गया। ये हमारा साग तैयार है, जो भी खाना है खा सकते हैं, जो लोग खाना चाहें। और ये हमारी है हरी धनिया, इसको हम अभी काट रहे हैं, इसको और टेस्टी बना रहे हैं। ये है ये, हम इसको मिला दिए इसमें। ये हमारा साग तैयार हो गया, आप भी बना सकते हैं। दोस्तों साग रेडी हो चुका है, अब इसको हम इस तरह मिला देंगे। अब इसको खाए, ये से कहते हैं देसी गांव का साग। ये इतना टेस्टी लगेगा कि खाना वाला खाने वाला खाते ही रह जाएगा, बार बार खाओगे। तो ये हो गया गांव का देसी चने का साग रेडी। तो आप भी खाइए और खिलाइए, इस तरीके से बनाएंगे तो बड़ा ही टेस्टी लगेगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी और भी जानकारी के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, अब आपको अगले वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों चने के साग के साथ ज्वार का रोटी खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, बड़ा ही टेस्टी लगता है खाने में। तो हम ज्वार की रोटी किस तरह बनाते हैं देखिए। हमने आटा गूंद लिया है और इस तरह हाथों से, इन्हें कहते हैं हथपई रोटी। तो इस तरह बनाते हैं रोटी हाथों से और इस तरह तवे में डालते हैं और इस तरह। अगर आपके पास सुविधा नहीं है इस तरह चूल्हा और आग लकड़ी की, तो कोई नहीं, आप गैस में भी बना सकते हैं, उसमें भी अच्छा टेस्टी बनता है। हमारे यहाँ गांव में गैस कम मिलती है, महंगी मिलती है, इसलिए हम चूल्हे में बना करके दिखा रहे हैं। और चूल्हे की रोटियाँ तो कुछ ज़्यादा ही टेस्टी होती हैं। तो इस तरह रोटी बनाते हैं और खाते हैं चने के साग के साथ। आप इस तरह रोटी बनाएंगे, रोटी की लोई एक बार देख लीजिए आप। इस तरह बनाते हैं, इस तरह गोल गोल करेंगे ताकि हमारी रोटी गोल आ जाए और हम ध्यान देते रहेंगे कि हमारी रोटी जल तो नहीं रही। इस तरह हाथों से एक से दूसरे हाथ पर दे करके रोटी को गोल करते हैं। ज्वार की रोटी क्या होती है कि बेलने में फट जाती है, इसलिए हाथों से इस तरह करने से अच्छी बनती है। और ज्वार की रोटी थोड़ी मोटी बनाने में कुछ ज़्यादा ही टेस्ट आता है। तो इस तरह दोस्तों बनाएंगे, तब आप सीख गए होंगे। इस तरह बनाते हैं ज्वार की रोटी। दोस्तों ऐसे हम घी या अलसी का तेल लगा करके रोटियों में खा सकते हैं। इस तरह अब ये लीजिए, खाने के लिए रेडी हो गई। आप खाइए और खिलाइए।